मैच रेफरी जयंतो पेशाओं ने कोई की को बिशिल आल मैच या प्रारंभ हुई ना। तो चलो और एक बार आप सभी ऑडियंस का फिर से इस कमेंट्री बुक से मैं मार्शल हंसदा और जेठा जी हम दोनों की तरफ से इस टूर्नामेंट में फिर से आप सभी का दिल से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज दिन का तीसरा मुकाबला रूसी का हारमोनियम बनामपुरा ऑफिसल मनरेगा टीम सफेद रंग की जर्सी में और उसके अपोनेंट टीम ब्लैक रेड येलो में जो टीम आप देख पा रहे हैं पश्चिमी छोर से यह है पीहू एफसी रामगढ़। जबकि रामगढ़ टीम भी बहुत ही मजबूत टीम है और उसका सामना जो हुआ है उसका भिड़ंत जो हुआ है आरएचबी के मनरेगा टीम के साथ। जबकि मनरेगा टीम भी बहुत ही बेहतरीन खेलने का प्रयास और उसका अच्छा खेल का अच्छा प्रदर्शन आपने कई टूर्नामेंट में देखा होगा। रूसी का हारमोनियम बनामपुरा ऑफिसल टीम से यहां पर जर्सी नंबर 10 पहने खिलाड़ी प्रधान सोरेन जो कि साहेबगंज जिले का बीएसके कॉलेज बरहरवा टीम के बहुत ही तगड़ा खिलाड़ी है। उस टीम से निरंतर खेलने वाले खिलाड़ी को भी इस टीम में ऐड किया गया है। प्रधान सोरेन साथ ही साथ 3 नंबर में फेरवाड सोरेन मुझे भी खुद गर्व लग रहा है जो कि मेरे छोटे भाई हैं के कॉलेज पाकुड़ में वो प्रशिक्षण ले रहे हैं वहां पर वो पढ़ाई कर रहा है बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। और इस तरीके से यहां पर यह टीम भी बहुत ही अच्छा सुसज्जित हुआ है। लेकिन यह मुकाबला में क्या होगा जीतेगा कौन और हारेगी कौन एक बहुत बड़ा चैलेंज बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह क्योंकि खेल के दरमियान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसी के बीच में फिर से यहां पर 2 नंबर अच्छा शॉट लगाने का प्रयास किया था यहां से मनरेगा टीम तगड़ा मैच चल रहा है दोनों टीमों की तरफ से लेकिन अभी तक गोल नहीं आए हैं। हालांकि यह शुरुआती समय है मैच का तकरीबन अब 2-3 मिनट ही प्रस्थान कर रही है। हांडे तीन दो बना पे गोगोता को हना दारी मूल रहे आप लगे जगह ला बनाओ कदा उका दो हरमा देश माझी जन कल्याण फाउंडेशन नुवा क्लब से का पेठे ने और बिनती तायन करा आप लगे उका दो जगह में ना स्टेज पे लेगा नखा का कुर्सी पे जला में जला में का पंडा लतर पे जुआ और उना इते लासो आप लगे उका कुरुबटो में ना उना कम से कम पे हम कथा धोय तला पे और तीन तो गाड़ी में ना गाड़ी घोड़ा को रोड रे आलपे धोय तो बना रोड को ही सारे के धोय पे उका तो ब्लॉक रिया उका उड़ा प्रवेश द्वार था उड़े हेज बाद उड़े गाड़ी रोड को रे पे धोय ना बनाए करा उनाते उना को पे साइड का पहिल गोल लगी 500% ऑफर हजू करना नवा दो पीयू एफसी रामगढ़ टीम लगी स्पेशल बना और नवा ऑफर दो 500% कीजिएगा अच्छा नवा दो मनरेगा टीम लगी रूसी का हारमोनी बनाम कोड़ा ऑफिशियल मनरेगा टीम लगी थे 500% या पहिल गोल रे आपका ऑफर कर रहे घोषणा करा उका तो जेले को पूर्ण रंग रे जर्सी रे नवा दो खड़बादेश बाजी जन कल्याण फाउंडेशन नवा क्लब रन गाड़ी की सक्रिय मेंबर का तपुन है मीडिया प्रभार मनोकान बबलू राय जी उन्हीं से कोई 500% या ऑफर है ना सराबे चल चल चले को बड़ बढ़ाव लगी कॉर्नर किक रे चांस खुजांदा पीयू एफसी
रामगढ़ टीम अटेगी। सोचा समझा, अच्छा शॉट, टेक्निक भरा शॉट, लेकिन इसमें भी कोई खतरा नहीं। दोनों टीमों के इस तरफ से बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। रूसी का हारमोनियम बनाम पड़ा ऑफिशियल मनरेगा टीम्स आर प्लेइंग इन व्हाइट कलर जर्सी एंड द अपोनेंट टीम ब्लैक रेड येलो अटैकिंग फ्रॉम ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट टू द अदर प्लेयर ऑफ पीहू एफसी रामगढ़ पठान सोरेन मनरेगा टीम clear the ball for his supporting teammate. Ball has been lifted in the air. Ball position once again. Manrega team. I think just number two has taken the ball. David Soren. Good delivery. Clear the ball from defense line. Pihu FC Ramgarh team. Once again, that might be a chance for just number nine. Pihu FC Ramgarh team for the first goal. Chance was there, but still there is opportunity. That was missed. Ultimately, ball went into the gloves of goalkeeper. Manoj Soren. Adil Bhadhi chance ko jab luda dekho hoy. Ukado Pihu FC Ramgarh team dekho Adil Bhadhi. Aur unhe unhi ko badit kiya to unhe lagate unhe goal bang hui lana teni ya. Counter attack lagi. Aur Nawabi team. Kharabi shot. अच्छा प्रयास दोनों टीमों के तरफ से और शुरुआती दौर में ही यहां पर पीयू एफसी रामगढ़ टीम को गोल करने का बहुत ही सुनहरा अवसर मिला था। वन ऑफ द गोल्डन चांस वाज देयर फॉर एफसी पीयू एफसी रामगढ़ टीम जस्ट नंबर 9 अनिल बरंडी बट ही कुड नॉट स्कोर द फर्स्ट गोल। वंस अगेन पीयू एफसी रामगढ़ गुमीत बॉल इन सेंटर चैनल जस्ट नंबर 6 राजकुमार मुर्मू शपला द बॉल वंस अगेन फॉर जर्सी नंबर 11 इट विल वंस अगेन गो आउट ऑफ द गोल लाइन डायरेक्शन ऑफ द मैच रेफरी जयंत बेसरा दैट इट विल बी अ गोल किक फ्रॉम रूसिका हारमोनियम बनाम का ऑफिशियल मनरेगा टीम। बोथ द टीम्स ऑल द प्लेयर्स आर ट्राइंग टू स्कोर फर्स्ट गोल बिकॉज they all know that it's one of the important match because if somehow they are losing the match that means they will have to depart from this tournament they will be eliminated from this tournament and none of the team will want that to leave the tournament because it's a knockout match each match is important for all the players dono teamon ke liye bahut hi ये अच्छा मैच है नॉकआउट मैच है। अगर एक मैच में टीम अगर हार जाती है तो उसको वहीं से उसको टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा और ये सारा चीज को जानते हुए दोनों टीम पहला गोल का वो तैयारी कर रहा है। हालांकि ये शुरुआती समय है अभी यहाँ पर गोल आया नहीं है। दोनों टीम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बीच यहां से मनरेगा टीम पीहू एफसी रामगढ़ टीम से यहां पर मैं देख पा रहा हूं दो नंबर में सुरेंद्र किसको बहुत ही अनुभवी डिफेंडर है दो नंबर में और मेन स्टॉपर का भूमिका से वो हमेशा योगदान देते रहते हैं। लेकिन इस बार यहां पर ये होगा पहला कॉर्नर। कॉर्नर की क्रिया चांस कुछ आप देखना रूसी का हारमोनियम बनाम पर ऑफिशियल टीम को जानना मनरेगा टीम तगड़ा मैच तो देखो जेठा जल में खिलौट तो नवा हार्डी की टॉप क्वालिटी है ना बना टीम की अटी मौज की खिलौट करना। हालांकि गोल हो रही और बीटन ओका तो इंस्टेंट हुई लाइन बड़ा चुबिया ओका मी गए लहा लगभग पसे तो मैच रिया 5 मिनट गान चला उत्ते रही बीटी चांस को बनाव लेता पीयू एफसी रामगढ़ टीम से को का तो 9 नंबर है गति का खिलाड़ी अनिल मरंडी उन्हें बॉल उन्हें जितौ लेता और ने गोलो ने बाग उनका चांस उन्हें बनाव लेना और जहां लिखा थी कि बॉल उन्हें को क्लियर लेता उन्हें बॉल जितौ लेता बनाम कुड़ा टीम रन खिलाड़ी का तो उन्हें मानरेगा टीम कान को का तो पूर्ण रंग ले जर्सी
जैसे खतरा बनो बना टीम आप पहुंच जाएगी और बना टीम से कोई आक्रमण बराबरी गया हालांकि गोल अभाव बना मेनकान खिलोड अभी बेहतरीन जेटा बहुत बहुत धन्यवाद मरसू जी और जिस तरीके से मुकाबला बन गया उनका मैच हाँ तीन दिन यार तीसार मैच का जय बन गया एक बार उसी का बनाम पड़ा टीम बन जल एक बार जहां तो पोट मिसाल उका आर आर रंग रहा जर्सी रे और साल सुंगे ते जहां बन जल एक बार जहां अपना टीम रे उड़े हैं ना मिसाल ससांग आर रंग रहा जर्सी रे नुकुतो ना हाँ पी हुए एफसी रामगढ़ बैंकन पहल हाफ का नवा मैच पहल हाफ रहा मैच नहीं तो अभी ते बराबरी गया एंते जरूर आक्रमण को लगा हुआ गया बना टीम जरूर बना टीम गोल रिया फ्राग रे मना के ना एंते जल्द से जल्द ये मैच रे गोल लग जाए लगती के ना आ टीम रे नियम कर गया जब तक गोल बांग हजवा तब तक ये कोई गोल बांग है लेकिन टीम रे मिटे मजबूत बांग एक बार आर बीटे नवा जिनिस का ना तीहिना दिन रे जहां तक इन जल्द नवा मैच रे डोंका ना बेहतर उनका ना रिकॉर्ड बना खाना है जहां तो उनका रिकॉर्ड बना खाना जहां तो नियर टूर्नामेंट रे नी तभी दिया मैच रे जहां तीसार मैच चला करा नी तभी ते गोल बंग नेल खाना बहुत घटन गोल और यार पिछले दो मैच अब गुण नेल के दावना रे टाइम एकर माध्यम ते बड़ा टीम है कि ना जीत किन हासिल का लेकिन यह तीसार मैच का ना पहल हाफ या लगभग उका तो मैच चला करा ना और डोड़े खोई हाँ गोल कब तक रह जा मेनखन मैच शुरुआती समय खे बना टीम के अड़ी बेहतरीन गिन खिलोड़ के दाब बेहतर मुकाबला हुई कना बना नगा कोई की खेल खिलोड़ रिया कोई उभा बंग जलो कना ढुआ लिखा ते तिही दिन रिया पुना मैच कोई हर रे मेना पुना जो तो जे जल पड़ा बुया को अड़ी बेहतर मुकाबला बुन जल जमानी था हो एफसी लंबो स्टार भागाबान दुमका वर्सेस हिस्सा ब्रदर पिंडर गड़िया दुमका अदो बना टीम मैनेजर साहब अबेन हो अबेन प्लेयर बन रेडी को दो नंबर प्लेयर जरूर बढ़ जाती है उन्हें परम का को बॉल रे थोड़ा गन स्पीड और उन्हें जले करना अड़ी मौज छोड़े ऑफसाइड जब भी प्लेयर बोले सब लिखा ऑफसाइड घुसित जो नोट बाजनी सड़ी मौज सही डिसीजन अदो अड़ी सर हम मुख्य रेफरी और असिस्टेंट रेफरी बीच रहे कम्युनिकेशन जलो को नाम बेहतर तालमेल और तिही जा दिन रे तिही नुका दो सुर सिंह को हे सेटर खान जो तो मनोता निजल पेड़ा बया को आर्मी धाते अपे सनम कोगी ओका दनवा हरमादेश माजी गोपी कंदर अली कला परिवार से खोया पे को अड़ी अड़ी सरहा और गुण मना जो हार अपेले चाल अपे के ना एंते तिही डुवा ढोना मेंडर अपे को सहयोग सपोर्ट अड़ी मोई चाले ले याम का अपे को तिही पे गुड़ो खाले एंते नवा सीजन नवा तो एंते बढ़ाई गया गुण उका उड़ू रहो दिन आर नियो को समय तो अब वह चासा बसा दिन का नाम एन हो एन तेर हो नौकरा समय रे नौकरा दिन दे अब बीचन समय बुन उड़ूक का नाम नौवा लगी ते अपे परती अल्ले सर हाँ अपे का नाम आर तेही मैच रे आनंद उठाओ दा उनका ते सरीगी एक से एक बढ़कर प्लेयर बुन ये लेखवा मैं खान ये बीच रे ऑफसाइड लेकिन पूरी तरीके से उन्हें प्लेयर सा सात नंबर खिलाड़ी जबकि उन्हें उनका डिफेंस लाइन क्रॉस का था लेकिन राम दिस रहे थे कनम लेकिन उन्हें लिखा थे हाँ उन्हें कौन इंडारी फ्रीकिक बात रे बॉल है कि नहीं था बॉल हाँ बिटन लॉन्ग फ्लाइट ठेटे करते हैं उन्हें कौन बॉल हेडर माध्यम से फिर से उन्हें सही जगह रहने के लिए शामिल थे लेकिन बॉल का नंबर है भी गन गया उन्हें रूसी का हारमोनिया कोड़ा उन्हें कौन हाँ बॉल पीछे की था कि ना लेकिन बॉल हाँ उधर परम का गोल लाइन खेल पर है बड़ा टीम से कोई उन्होंने बेहतर मुकाबला चला करना मना जोड़ा लेकिन दोनों टीम की तरफ से ये पहला हाफ का मैच में बहुत ही सुंदर वहां खेलते हुए नजर में है अभी तक दोनों टीम की तरफ से जो स्कोर बोर्ड है सुनिए सुनिए के बराबरी पर लेकिन जल्द से जल्द गोल करने के लिए वहां प्राग में है दोनों टीम के प्लेयर इसे रामगढ़ टीम और ये तालमेल गवा के बैठा है लेकिन पहले ही पोजीशन वहां पर खराब होता हुआ लेकिन यह डिप्लेक्स होने के बाद बॉल पोजीशन थी सारी बार रामगा टीम क्या गोल डाक पाते हैं कि नहीं बहुत ही सुंदर बहुत लोच रेंज से मौका और इसी बीच और ये हो गया
गोल किक बॉल, लेकिन ज्यादा सा खेलिए अगर ये टारगेट पर होता ये गेम निश्चित रूप से यह गोलकीपर के लिए डिफिकल्ट भी हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गेंद को बेहतर बचाव क्या पीछे रे बात, और गेंद लॉन्ग प्लेटेड लेकिन हेडर के माध्यम से उतना है बेहतर वापसी क्या रूसी का, रूसी क्या पनमकोड़ा टीम पर बार द्वारा अच्छा हेडर जर्सी नंबर 14 के लिए, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं हमारे फोर्थ ऑफिशियल में बदलाव का तैयार है भी क्या जा रहे हैं, लेकिन हमारे अच्छा चलिए प्लेयर चेंज 12 नंबर आउट रूसी का हारमोनिया बनमकोड़ा, रूसी का हारमोनिया बनमकोड़ा 12 नंबर बाहर जाते हुए उनके जगह पर नए प्रेस प्लेयर्स आएंगे। अच्छा जयश्री नंबर 11 पास है, हाँ उड़े चल रहा 11 नंबर नहीं थे बोला होगा ना सोरेन संस्था, लेकिन उड़े खोन हारी लंबा की क्या बोल समय पास गति प्रधान प्रधान अच्छा क्रोस है लेकिन अभी भी समय रहा गया है, काफी समय है, लेकिन रामगढ़ टीम भी ज्यादा और हिदास निराश होने के लिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आसानी से मैच को इक्वलाइजर कर सकते हैं काफी सारा मैच, लेकिन यहाँ पर 7 नंबर के लिए लेकिन और ये काफी समय काफी वक्त लेने की बावजूद यहाँ पर मैच क्रम में यहाँ एक मौका फिसल गया। अगर फर्स्ट हाफ में अगर ये गेंद सुना बोला क्रॉस लिखन हो बेहतर गोल लगातार क्या पीयू एफसी रामगढ़ टीम 7 नंबर है, लेकिन बार बार लकीराम बेसरा मौका ना मौका या नहीं कर लिया पहले शुरुआत ही खोएगी, लेकिन उन्हें कोई हाँ जर्सी नंबर 12 पड़ा होकर उन्हें कॉर्नर किक लगी बेहतरीन, लेकिन उन्हें कोई हाँ बोल पीछे में चाकू कोटुक का जर्सी नंबर 9 हो का प्रिय लहा से बबुलाल मरानी उन्हें कोने रुपन झूका पीसी 11 नंबर बड़े जबकि नीति बलोकन सुरेश सजा सुरेश, लेकिन रामगढ़ टीम हो थोड़ा गन हाथ तालमेल हमते नते ही क्या देखो मर्सिल ना रोहन झेल लेकर रोहा मैच रहे अंते रामगढ़ टीम जहां तक हुआ एक शून्य रहे पिछड़े में जहां तक भी जलोगा ना मैच सा नोडे कोई और ज्यादा बेहतर इंप्रूवमेंट जलोगा मैच रहे पीछे सेकंड गोल होते न्यू प्लेयर होते थे, लेकिन बाय पैर चलाव ले गया शॉट ले गया, लेकिन बॉल हाउ ने डिप्लेक्ट हुई कि ना पीछे फॉरवर्ड फिर से डबी नेगा थी कि ना डबी टाउन ने कोई एडमो गोल पोस्ट भी बोल आदर लेता, लेकिन उन्हें कोई हाँ थोड़ा ग्राउंड है बिठा एंड फाउल दिया ने इशारा हुई ना, जबकि थोड़ा लगे बगल में प्लेयर होते से कोई आबार सेकंड गोल हुई दरी को फॉरवर्ड उन्होंने मुझे गलती दिल दिया, लेकिन उन्हें कौन और उन्हें कोई डेविड दो तीन कदम बढ़ाव कहते हुए अभी नदी खोज गोल रिया मिटियन अडी मोई सपना नील का था ना बेन कनवा मौका हां गोलकीपर उन्हें जबकि डाइव लगा तो मौका ज्यादा उन्हें निरस के दिया, लेकिन उन्हें थ्रू पास बॉल कराने बारे 11 नंबर लगी सुरेश जबकि नीत मैच बोलो उन्हें प्लेयर से उन्हें कोई क्रॉस ऐसे ऐसे आई दिया उन्हें कौन ऐसा मिटन ने शॉट करा
लेकिन गोलकीपर होने भाई जॉन किसको मजे गोल की तीन मसी जी मैच रेलता मैच रे और ज्यादा ना अंतरिम हजूना नारे काफी बदलाव हजूँ एनते जरूर हमेशा नुकवा कुकमो सोच बिचर तहन कर चेनवा मैच पायला हाफ रे बराबर लगती कर अच्छा जी हेलो जी जेठान देखो पीयूएफसी रामगढ़ टीम होनवा मैच बराबर लग करूं तुया जबकि नवा मैच ना पूरा समय मिला गया पहिल हाफ रे खेलर कर और पीयूएफसी रामगढ़ उका तो लगातार उड़न जल लेखा है बाबार गोटे चांस को जाम लगा गोल लगी पहिल हाफ रे मैच रे लेकिन नवा बीच रे बड़े तुरंत के ना बोले प्ले किया लेकिन लॉन्ग क्लियरेंस से के ना होना बीच रे नोडे कौन अच्छा हेडर रामगढ़ टीम थोड़े कौन कटी मचा साइड रोने गति के दिया आयरिश योगी जबकि रूसी का हारमोनियम बना पड़ा 15 नंबर है मुझे गति के दिया प्ले ऑन रे ऐसा रहे कि ना 11 नंबर लगी ठीक 11 नंबर लहा सही दिया सुरेश सुरेश होना बीच रे ना बॉल इन तिगी रे छु ना लेकिन उड़े कौन हा बॉल पीछे उड़े लहा से धीरे धीरे जीत लो दवा बीच रे जैसे नंबर तीन हो रहा प्लेयर चेक प्लेयर से ठोक कर जरूर फीस से आरबीट सेकंड प्लेयर में आया हट मचाने कुमी ते गति गया मिडफील्डर जोन रन बीट ने बेहतर करना टीम रन लड़ी खतरनाक खिलाड़ी जहां दो कुमित मुर्मू दोनों मोच नहीं खिलाड़ी का बॉल दोहरे टेक्निक बॉल पास रे टेक्निक गल छुरे टेक्निक से आया बोला बेन खान को अनिल बारिया प्लेयर से मजबूर का की थाना शॉट अड़ी बेहतरीन बांजल मन को तीनों बेहतरीन लगातार मौका उड़े रहे ना शॉट है ना मेनकान घुमीता उन्होंने बेहतरीन जिस तरीके तो मिड प्लेयर बारे ते जिक्र हुई कर था ना नीति ओके तो मिड फील्डर प्लेयर कना है ढोका ना शॉट है ना उन्हें जहां तो गोलकीपर उन्हें डाइव करता होना बोले रे उड़ुक लिदा इदे खाई के उन्हें प्लेयर से है कहते उन्हें हेडर या मौका आपने मेनकान रगेट के बाहर हेडर छबो दड़ी दा तीन नंबर रे जहां तो और बाका वापसी गोल बेहतर मिल जा मोहित दाड़ी को आप लेकिन उन्हें साइमन टुडू चाहे के ना लेकिन पूरी तरह से यहाँ झिझान देना होगा मेहनत करना होगा जबकि पीयू एफसी रामगढ़ टीम जो कि एक शून्य से यहाँ पिछड़े हुए हैं और जबकि रूसी का हारमोनिया बनम पड़ा टीम भी आप देख पा रहे हैं एक गोल में संतुष्ट नहीं है पूरी तरह से यहाँ आक्रमण कर रहे हैं विपक्षी के खिलाफ जबकि अगला तीसरा गोल लगने के लिए जैसे देखे जर्सी नंबर 15 दूर से किया गया सॉरी एक जमीनी शॉट थे लेकिन गोलकीपर के लिए कोई दिक्कत नहीं गोलकीपर ने अच्छा वहां पर गेंद सप्लाई किया गुमित के लिए गुमित ने अच्छा पास 11 नंबर प्लेयर्स को खेल लिया है लेकिन वहां पर राइट जोन टाइम फिंगर जोन से वहां जर्सी नंबर 13 पहने हुए प्लेयर सुया सुया ने वहां अपनी सपोर्टिंग को खेला लेकिन वहां पर जे हैंड फाउल का इशारा जबकि हैंड फाउल रे उन्हें इशारा हुई ना रामगढ़ टीम उन्हें तीज उसने जैसे कि ना उन्हें सुया पास किया उन्हें ऐसे ही लगी खिलर लगी लेकिन इन तीज उन्हें कोई ना लेकिन उन्हें कौन प्रधान जबकि कोई बड़ा चुले उन्हें ना मार्शल जी प्रधान दोनों हाँ उनका बीटन बीएस के कुलेज 12 हर बार टीम रन बीटन अड़ी अड़ी स्टोन टीम का ना उनका टीम रन अड़ी स्टोन प्लेयर का ना अड़ी मजबूत प्लेयर ही नोडे नवा टीम रे जोड़ाव का ना अड़ी मज मज प्लेयर बना का बना टीम कोई की स्टार स्टार खिलाड़ी जहां तक नोडे को यहां बॉल पोजीशन पीछे नोडे रामगढ़ टीम नोडे को ना बीटा नो की पास लेकिन अनिल थोड़ा कने तानम ना कोई लहारी हेडर माध्यम तक वापसी का गेल में खिलो नुडो मोच मिनन बो नुडो बो चला करना नुडो स्पीड चला करना नुडो रफ्तार चला करना लेकिन जिस तरीके तो नुडे लतिया का गोल वापसी उना टेक्निक हा नीत को निभाओ का लाकि गोल चो कना को मारे कोई हर बड़ी बा अट्टी मई बॉल सजाव कते इदिरिया क्रमटी दा गुमीटे बॉल बांजल में गुमी तो का तो से लेप्सी एकेडमी देवघर ओका तो उडे पुनार एम प्लेस करना मेनखान उडे को ना और काफी ग्राउंड है बेनखान जहां का टीम खोई गेम गाती है बेनखान मिड प्लेयर सा पाए ना या मी बार प्लेयर को नेल का अपा ओका तो खाली अकू क्लब टीम खोई गया अच्छा को प्रदर्शन अंदर आया लेकिन नोया नोका अपना नोठे नोकन क्लब ना जे अटे एमा ग्राउंड नेल के था घुमी तिलकन प्लेयर ढूंढो कोई बॉल हटिंग का टेक्निक ना नोठे
सही जगह बोल हटियाँ लास आने खो गोल चूड़िया बेहतर टेक्निक बना लेकिन उन्हें ये नंबर 14 रोका खिलाड़ी थोड़े खुद बीते लॉकिंग शॉट मैन का दिया दूसरा पेनल्टी करीब बोल चला उगरा नहीं था ऑफसाइड लेकिन ढोड़े को ढूंढो मोच डिफेंस लाइन जब की क्रॉस की दम है लेकिन ढोड़े को नहा उका असिस्टेंट रेफरी उका बिजनेस साइड जी नहा उड़ा टीम मैच अरे बारी तरीके तो नोटिस की दिया टॉल कहते ढोड़े को नहा बॉल थोड़ा गन चिप का जैसे नंबर 6 ले भाई पास का तीजा लेकिन नोडे को ना पीछे बॉल अटैकिंग जोन नहीं मिलता अति मजबूत बरकरार को तो होगा जहां तो रूसी का हारमोनिया बना पड़ा टीम अच्छा चौथा मैच के लिए अगला मैच के लिए दोनों टीम के प्रबंधक बहुत ही चले प्लेयर्सों को ऐसा ऐसा डोगट के करीब लाने का प्रयास करेंगे दोनों टीम के मैनेजर एफसी लंबू स्टार भागाबाग दुमका वर्सेस ईसा ब्रदर पिंडर गड़िया दुमका दोनों टीम के प्रबंधक महोदय कृपया करके प्लेयर्सों को आप रेडी करके ऐसा ऐसा डोगट के करीब लाने का प्रयास करें और जिस टीम को दे पा रहे हैं ये सेकेंड हाफ का ये लगभग लगभग श्रेयमन पर है लेकिन अभी आधा से अधिक धीरे धीरे बाहर जाते हुए लेकिन समय बहुत ही सुंदर ताल में फिर क्या अगला गोल होगा तो जीरो के से यहाँ पर ये गेम गोल लाइन से बाहर जी अच्छा उन्हें अरसी है झलका करना बाय गया थोड़ा पिटा जरूर था उन पे ठीक और ये देखिए बहुत ही रोमांचक मुकाबला ताबड़तोड़ देखिए बहुत ही सुंदर दो तीन प्लेयर्सों का बीच से बीच अच्छा पास निकालते हुए फिर से अनिल का जो शॉट उतना भी ये पावर शॉट नहीं था लेकिन गेंद एंड वर्क में डिफ्लेक्शन हुई लेकिन बलबीर रामगढ़ टीम ऐसा ऐसा गेंद को लेकर यह पोजीशन यह सपोर्टिंग को तलाश करते हुए लेकिन यह रूम पास बलबीर लेकिन यहाँ अटैकिंग जोन के जो प्लेयर डिकुलास को खेल लिया है डिकुलास जैसे एक स्टार प्लेयर देखिए तीन ध्यान से खिलौड़ता चरा सा वहां सरका है लेकिन वहां सुरेश के लिए सुरेश ने जैसे नंबर 9 थी सॉरी वह फ्लैट ही लेकिन बहुत ही गजब हिट लगाए थे वहां 9 नंबर प्लेयर बबलाल ब्रांडी गोलकीपर जोन ने अच्छा लिफ्ट करके वहां अच्छा तुरंत ही क्लियरेंस क्या है पिछले बार वहां पीओएफसी रामगढ़ टीम का भी रणनीति बहुत ही सुंदर है और ये सेकेंड हाफ का जो मैच जबकि मेल के अंदर नोडम मोचा नोडम मोच को खिलोड़े के ना बैंकन सेकेंड हाफ में और बादला मैच का गुका बसेलदा बैंकन वाले टुआ मुकाबला रे जहां तक का मैच हम जला नवा सेकेंड हाफ या रामगढ़ टीम तक गोल वापसी दिया हर हल रे नोडे नोडे जेले पा नोडे को कुरबटो का बैनर देखो बैंका है सेकेंड हाफ में नको आपको ऊपर ऊपर पतिया विश्वास को दो का जे गोल को वापसी आ बसेलदा माइक्रोफोन दे स्वागत हेलो हेलो तीन नोटे बोल जरूर का गो बाबा भैया मिश्रा को मीटेन अड़ी मौजे खबर सेटेर कना नुमा दो मजदूर संघ लिखा को इसे गोड़ो को कुन्याम बड़ा गया बना बोनवा अतो टोला करन होड़ नुआ आड़े पासे करन होड़ बारे दिसम ते कमेली की कुचला करना आरोने कुचला को तक फसा करना ओडन को मलिक ओकोटे कमेली की कुचला करना उनको टाइम ते पैसा टका को का को गलमराओ कार ओना को लिखा बाको माको करना और उनको वाले चलाओ करते को पट्टारी देखो करना और उकल करते नुटे ऐड करते को दिए को कमी लगी दिसो बाहरे दिसों ते और उकल करते नुटे मोस्टा कोड़ा ते पको है सिटे दरिया करना अतो वो ना लगी सरकार से खोए नुको गोड़ो कुलगी फाबु सरकार अप्रावधान मिचन मिना जे उनको कुछ लेकर तो बन घोड़ा उतारे एक हुआ अच्छे लेकर तो बाहरे दूसरे लोगों को फंसाओ कर मजदूर को से कमी को कुछ चलाओ कर उनको बन रोड़े चुदारे एक हुआ से ओटे उकल कर हो रुवा आसुर को पढ़ाओ कर
से बाहरे दिसम करे को जहाय को बड़ी जकान उनको को आगु उड़ा दे जिनका ते सुरक्षित को है दड़िया सबको आगु दड़ी कुआ ओना को लेके मज पंथा मिना मिटे अतन वदे जो तो सरकार आ मिटे व्यवस्था करना आरो ना होते तनुमा मंच होते तनुमा प्रचार प्रसार और ना मिटे अत और अवसर हो नाम करना जमन उनका जहां जदी मुश्किल उनका मिना पे खाय से उनका बड़ा विशेष गलमारा जैसे गलमारा से बड़ा जो लगी जहाँ मने जो मीना खाए नवा स्टेज से है कहते लोगों पिलाने को है क्या ना लोगों सुनके पुण्य पाम दरी और पुन गलमारा दरी आज जो उनको चल कर पुन घरों दरी क्वा मिलते आय मालिक ना लले ना मीना मिल खाए विस्तार गलमारा कहते कि पुन भुजो दरी आ ओना यते पेटे देहोर मिना जहाय बडाई जोना कथा उनका जदि मिना खाय नो स्टेज रे कते बुन जापान दरी अनुको समय अर बुन बडाई दरी अनवा को विस्तार पूर्वक जतो को डी सर हा हेलो फालटी सर हाओ कटी बचा जानकारी पादो होनडे ते बडाई चे तपनवा माइक्रोफोन माध्यम ते वा को ध्यान रखन दो होया ते तेडे बाबू या कुछ कुछ अलग ना बाहर दिसो कभी लगी आई बाल करा मुश्किल को फसाव करा ओने कोन हजो लगी हको मुश्किल हो करा तनवा को लगी नवा ओका संस्था चलाव का जन साहस आर सहयोगी संस्थाओं द्वारा कानवा सहयोग जमो ओने कोई और को सटेरो से ओका हुई दलवा कुरुमटुन वाय लगावा जन साहस मजदूर हेल्प आ पे कॉल दले बा तो पे नेपाम को जस्ती जानकारी लगी ओका दले दला मेन के लगा मैं ना को पेड़ा को सटेर करा नको को पे नेपाम रे को तो नोडे कौन मैच नुमा हो अटे की सुपर चलाव करा बना टीम को के पहिल गोल बा हुई कान के फोन रोम वाला जर्सी से कोई पहिल हाफ को गोल करा और का को जेल को हेदे मिसाल ससंग आरा अनोल जर्सी रे नवा दुसार हाफ रे गति को अति का नका तो नवा पुरु नका को नुकवा गोल हो रिया और समय बय बेते तो कम चलाव दी का लगाते मनरेगा टीम नवा को क्रम दे जब नडे को नको बाकू गोल रुवर जो को का दो पीहू एफसी रामगढ़ टीम और रामगढ़ टीम भी को गोल रुवर का तो मैच तो बराबर यार देखो मिस्टर ही तगड़ा शॉट लगा उल्टा ना था खिलाड़ी बाबूलाल मरांडी और तगड़ा मैच समय अब धीरे धीरे निकलती जा रही है पीहू एफसी रामगढ़ टीम के ऊपर में एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी जबकि पहला हाफ का मैच में ही पीहू एफसी रामगढ़ टीम को मौका मिला था दो गोल करने के लिए और दो गोल चुकने के बाद जैसे ही मौका मिला था रूसी का हारमोनियम बदामगुड़ा ऑफिसर बनरेगा टीम को उसमें से शानदार गोल ने दागा है डेविड सोरेन और उसका पहला गोल मैदानी जंग का आज इस टूर्नामेंट का हालांकि अभी समय कम होती जा रही है परेशानी जरूर यहां पर लेकिन क्या गोल होगा आखिरी समय में शॉट तो लिया गया था जर्सी नंबर चार पर एक खिलाड़ी पीहू एफसी रामगढ़ टीम की तरफ से बिहारी हेमरम लेकिन इस बार भी टारगेट में नहीं लगा पाए तो इस अवस्था में अगर ऐसे गोल होती है तो मैच इस आखिरी समय में 1-1 की बराबरी में मैच आ सकता है समय अभी भी यहां पर गोल करने के लिए पीहू एफसी रामगढ़ की टीम के पास है बस इनको प्रयास करना होगा नेक्स्ट मुकाबला जो होगा फोर्थ मैच के रूप में जो खेलेंगे एफसी लंबू स्टार भागाबांध दुमका बनाम ईशा ब्रदर्स पिंडरगढ़िया दुमका दोनों टीम से गुजारिश है आप आकर के आने का प्रयास करेंगे डगआउट में धीरे धीरे अपने खेल को लाने का प्रयास करेंगे इस मैच के तुरंत बाद जो मुकाबला होगा एफसी लंबू स्टार भागाबांध दुमका बनाम ईशा ब्रदर्स पिंडरगढ़िया दुमका के बीच धीरे धीरे मैच और सुधार लाने का प्रयास कर रहे पीहू एफसी रामगढ़ टीम
लेकिन यहां से क्या गोल को वापसी कर पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल यहां पर। और इस बार गुमीद ने गेंद को जीत लिया है, फिर से यहां पर गुमीद के पास गेंद, एक खिलाड़ी को टकने का प्रयास किया था और प्रधान सौरभ पीछे से गुमीद के ऊपर एक तरीके का जबरन तरीके से बॉल को लेने का प्रयास किया था और मैच रेफरी जयंतो बेसरा वहां पर फाउल का कॉल दे दिए थे। अच्छा मैं यहां पर गेंद को पुश किया गया यहां पर पेनल्टी बॉक्स के बीच गेंद, लेकिन अब यहां पर फिर से मानरेगा टीम रामगढ़ टीम जितनी जिले का भय बेहतर नुमा खिलौड़ रहे जस्ती दबाव को बनाव था और रामगढ़ टीम से कोई हो का बिगड़ी लहा उठा शॉट लगा लेता चार नंबर है बिहारी और नुकड़ा शॉट की जरूरत है तो नुमा समय रहे जितो तो बाबूलाल बोल जमता रहते नहीं नौ नंबर का तीन खाड़ी गोल हुई अश्चर्य तलार की सभी कोई दुबा पेनल्टी बॉक्स या लेफ्ट एज कोई बीटे तगड़ा शॉट बाबूलाल गोलकीपर नाते नहीं उन्हें बोले तक जब डाल पा रहे ना मनोज सोरेन कॉर्नर को जीता होगा मनरेगा टीम को यहां पर और एक मौका मिल गया है गोल करने के लिए कॉर्नर की करने के लिए। इसके बीच गेंद को वापसी किया गया है, फिर से बाबूलाल का यही और आखिरकार यहां पर बाबूलाल ने गोल कर दिया है और यहां से 2-0 का बढ़त बना रहे हैं। का बढ़त अब यहां पर फिलहाल अब तक आप मैच में बनाए हुए हैं मनरेगा टीम जबकि पीयूएफसी रामगढ़ टीम 0-2 से वो पीछे चल रहा है, बहुत ही मजबूत टीम है लेकिन उस तरीके का खेल दिखाने के बावजूद भी गोल नहीं लगा पाए हैं, उसी का नतीजा है जो कि अपोनेंट टीम 2-0 का बढ़त वो अब यहां पर इस मैच में बनाए हुए हैं। इसी के साथ मैं देख पा रहा हूं एक टीम का आगमन हो गया है डगआउट में, अगला मैच के लिए उनका एंट्री हो गया है ग्राउंड पर रेफरी बॉक्स से करीब। मैं चाहूंगा अगला मैच के लिए भी उसके जो अपोनेंट टीम में आने का प्रयास करेंगे। अच्छा जजमेंट वहां पर सहायक रेफरी विश्वनाथ सर और समय यहां पर धीरे धीरे अब अंतिम बिंदु की तरफ निकलती जा रही है, परेशानी जरूर सताएगी पीयू एफसी रामगढ़ टीम के खिलाड़ियों को लेकिन अभी भी समय रहते इस बार भी शॉट तो जरूर लगा रहे हैं पीयू एफसी रामगढ़ लेकिन उस तरीके का शॉट और फिनिशिंग गोल स्कोर नहीं हुई है जिसके वजह से अभी पीयू एफसी रामगढ़ टीम 0-2 से वो पीछे चल रही है इस मुकाबला में। परिणाम क्या होगा और धीरे धीरे आप जीत के करीब अपना कदम को आगे बढ़ा चुके हैं। यहां से मनरेगा टीम क्योंकि दो गोल को वापसी करना थोड़ा सा नामुमकिन सा लग रहा है, समय कम होती जा रही है पीयू एफसी रामगढ़ टीम के लिए लेकिन मैं यही चाहूंगा आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं अंतिम समय तक आपको प्रयास करना होगा, हो सके आप मैच को बराबरी कर पाए क्योंकि गोल कभी भी और किधर भी हो सकती है रामगढ़ टीम। और इसी के साथ यहां से बेस रेफरी जयंतो बेसरा सर का फुल टाइम का इशारा हो गया है।